सांसद सुनीता दुग्गल ने आज भगवान परशुराम जयंती पर ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित विशाल उत्सव को संबोधित करते हुए कहा है कि चाहे कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य, यदि आपको कहीं अन्याय होता नजर आता है तो फरसा उठा लो। उन्होंने कहा कि फरसे से अभिप्राय संघर्ष है। सांसद बोली कि ब्राह्मण में ब्रह्म तत्व का अणु होता है, ब्राह्मण को इसी तत्व को निखारना होता है ताकि वह समाज को दिशा दे सके। यदि ब्राह्मण में ब्रह्म तत्व को निखार नहीं है तो वह इसलिए दिशा नहीं दे सकता कि वह सिर्फ पैदाइश से ब्राह्मण है। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था कर्म से है न कि पैदाइश से। उन्होंने कहा कि पंडित का काम सिर्फ कर्मदंड से ही नहीं बल्कि राज्यसभा सांसद डीपी वत्स की तरह जब देश को जरूरत पड़े तो तोप भी चला ले। सांसद बोली आज माँ बाप की सेवा जरूरत है। देश में वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं जो चिंता का वजह है। क्या हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते? ये देखिए भगवान परशुराम जी, जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ फरसा उठा लिया और जो ये माना जाता है कि जो हमारे ब्राह्मण समाज है वो पाठ पूजा करता है, वो सिर्फ जो है वो भगवान की सेवा करता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है अन्याय के खिलाफ तो वो भी फरसा उठा लेते हैं। तो भगवान परशुराम जी ने जो फरसा उठाया था और इसके साथ साथ जो वो अपने पितृपंथ थे उसके लिए भी उनको याद किया था। तो मैंने आज यही सबको कहा कि हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और इसके साथ अन्याय के खिलाफ हमें फरसा उठाना चाहिए। सरकार जो है बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर चिंताग्रस्त है। माननीय गृह मंत्री जी ने एक जो है उच्च स्तरीय जो है मीटिंग करी है जिसके अंदर इस बात को देखा गया है कि जो बिजली की कमी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है परेशानी है, इसमें मुझे कोई दोहराई नहीं और इसके भी बहुत से कारण हैं। जैसा कि हम अगर बताएंगे हम आज तक के जो है हम रशिया और यूक्रेन के युद्ध से जूझ रहे हैं। जिले भर में आज ईद का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। फतेहाबाद के पुरानी पुलिस लाइन के पास स्थित ईदगाह में आज शाहिद अजीज व डॉक्टर ताज मोहम्मद के नेतृत्व में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया और नमाज अदा की गई है। ईद पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट था और त्यौहार पूर्व शांति के साथ मनाया गया। गांव जानवाला बागड़ में भी मौलवी सजारुद्दीन के नेतृत्व में इस्लामिया मस्जिद में नमाज अदा की गई है। भूना कस्बे में भी ईद पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला और भूना की ताज मस्जिद भक्की मोहल्ला में ईद उल फितर का त्यौहार बड़ी ही शांतिपूर्वक और सादगी के साथ मनाया गया। गांव ढाबी कला में मौलवी वसीन अकरम के नेतृत्व में नूरानी मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई।